पाँच साल में मोदी सरकार के राज में भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। बेरोजगारी के आंकड़े 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। महंगाई, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई बहुत बढ़ गई है और इन सभी चीज़ों के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए मोदी सरकार देश में धार्मिक दंगे और उन्माद पैदा करना चाहती है ताकि जनता का ध्यान भटक जाए। इसीलिए ये NRC और CAA का जो जुल्मी कायदा है, कानून है, वो सरकार ने लाया है जिससे कि देश का माहौल खराब हो और इसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। बेसिकली गवर्नमेंट कुछ बोलती है और करती कुछ है, एंड हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं बिकॉज वी आर अपोजिंग CAA एंड NRC, बिकॉज उनको बेसिकली ये बोलना है कि हम डिटेंशन कैंप्स नहीं बना रहे हैं, हम मुस्लिम्स को और दूसरे माइनॉरिटीज़ को कुछ कर नहीं रहे, बट बेसिकली दे आर डूइंग इट एंड वी नो दिस, एंड भले ही मीडिया दिखा नहीं रही है बट वी नो इट नाउ एंड वी आर गोना शो इट, वी हैव अ वॉइस एंड यू कांट सप्रेस द वॉइस वी हैव। उनको ऐसा लगता है कि कुछ होगा नहीं, कुछ है नहीं, बट हमको पता है कि वो क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है और बहुत ही वाइड स्प्रेड हो चुका है ये, एंड इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस प्रोटेस्ट जब तक कि ये लोग CAA नहीं हटा दें। ये CAA जो अभी एक्ट बन गया, जो कैब था पहले, असल है ना, जिसमें ना 6 कम्युनिटीज़ को दिया है और 1 कम्युनिटी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर रहा है, वॉलेट कर रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग खड़े हुए। और जो NRC की बात करते हैं मोदी जी, वो के NRC लाएंगे और सबको डॉक्यूमेंट्स, जो मतलब बाहर के लोग हैं उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स दे देंगे और बचा के डायरेक्ट ये बोलना चाहते हैं कि मुसलमान को हम हटाना चाह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं, तो इसके खिलाफ में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। मेरा नाम मनन देसाई है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज हमारे देश में बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति हो गई है कि हमारे ही देश में डिटेंशन कैंप जगह जगह पे खुल रहे हैं और इसमें जो नागरिकता संशोधन जो बिल आया है उसमें एक धर्म के वर्ग को उसमें से बाहर रखा गया है, इसका मैं विरोध करता हूँ। और ये मैंने सिविल डिसोबीडियंस में डिक्लेयर करता हूँ इस सरकार के विरुद्ध में, और NRC अगर लागू होगा तो उसमें मैं मेरे कागज़ में जमा नहीं करूँगा और मैं जेल में जाने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं जेल भरने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए मैंने ऐसा गेटअप किया।